आज हम बनाएंगे जोवार नान कटाई। नान कटाई एक प्रकार का बिस्किट है जो बेकरीज में मिलता है और इसे आज हम बनाएंगे जोवार से। जोवार एक ऐसा ग्रेन है जिसमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसे खाके बहुत ही आनंद मिलता है। तो आज बनाते हैं ये स्वादिष्ट बिस्किट जिसका मेन इंग्रेडिएंट जोवार है। तो आइए देखते हैं और बनाते हैं जोवार नान कटाई। ऐसे अनेक यूनिक हटके रेसिपीज को देखने के लिए कनेक्ट करें मेरे यूट्यूब चैनल द मूडी फूडी को। नान कटाई बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, ज्वार, घी, पिसी हुई शक्कर, दही, खाने का सोडा, चारोली के सीड्स, इलायची और जायफल का पाउडर। यदि चारोली ना अवेलेबल हो तो आप काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब इंग्रेडिएंट्स को हम मेजर करके फिर शुरुआत करेंगे। सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में हम घी और पिसी हुई शक्कर को साथ में डाल देंगे। अब हमें एक विस्क की सहायता से इसे साथ में क्रीम करना है। आप इसके लिए एक इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जब दोनों को साथ में इस तरह से विस्क करते हैं तो हम इसमें इसे फेंटते हैं तो इसमें जो हवा है उसे इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो इसकी वजह से ये बहुत ही लाइट और क्रीमी हो जाता है। इससे हमारी नान कटाई का टेक्सचर अच्छा होता है। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच दही और साथ में डालेंगे इलायची और जायफल का पाउडर। अब इन दोनों सबको डाल के इसे दोबारा से विस्क करना है अच्छी तरह से। ये जितना आप विस्क करेंगे उतना नान कटाई का टेक्सचर और ये क्रिस्पी बन जाएगी। तो इसे करीब करीब 10 से 12 मिनट तक अच्छी तरह से विस्क करें। अब एक छन्नी की सहायता से जो दोनों हमारे आटे हैं, पहले मैदा और फिर ज्वार, इसको हमने लगभग इक्वल क्वांटिटीज में लिया है। इसे दोनों को हम छान लेंगे और ये मिक्सिंग बाउल के अंदर डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे खाने का सोडा और फिर इसको हम एक स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे। बिस्किट को मिक्स करते वक्त हम कट एंड फोल्ड मेथड का इस्तेमाल करते हैं। एक तरह से इसे घुमाना है कुछ इस प्रकार से और फिर इसे कट करना है। इस प्रकार से जो ये मिश्रण है अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है जल्दी से। इसे बहुत ही हल्के हाथों से करना है। अभी इसे हाथों की सहायता से एक साथ प्रेस करना है। इसे ज़्यादा गूंदना नहीं है हमें और फिर इसके हम छोटे छोटे गोले बनाएंगे। अब एक ओवन में जिसमें हम बेकिंग करेंगे उस ट्रे को हम ग्रीस कर लेंगे और ये जो हमने गोले बनाए हैं शेप करके उसके ऊपर एक चारोली लगाएंगे। जैसे मैंने कहा है आप एक काजू का टुकड़ा भी लगा सकते हैं और फिर इसे हम जो ग्रीस किया हुआ ट्रे है उसके ऊपर रख देंगे। ये एक और तरीका है इसे बनाने का। आप एक टेबल स्पून की सहायता से भी इसे बना सकते हैं और इस प्रकार से शेप देके इसे रख सकते हैं। ये डो बहुत ही सॉफ्ट होता है और इससे बिस्किट कुछ, इसमें टोटल 20 बिस्किट बन गए हैं इस मेजरमेंट से। अब इसे बेक करने के लिए ये तैयार है। और एक ओवन को हम प्रीहीट करेंगे 10 मिनट के लिए और फिर इससे इन बिस्किट्स को इसमें डाल देंगे। इसे करीब करीब 15 मिनट के लिए बेक करना है 180 डिग्री सेल्सियस। अब ये थोड़ा फूल जाएगा। अपने ओवन का सेटिंग ज़रूर चेक कर लीजिए और फिर जब तक इसका क्रस्ट लाइट ब्राउन नहीं हो जाएगा तब तक हम इसे बेक कर लेंगे।
अब इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं और फिर एक छुरी की सहायता से इसे अलग अलग कर लेंगे। बस ये क्रमली और क्रिस्पी ज्वार की नान खटाई तैयार है। और ये रही इसकी सामग्री, यही सामग्री हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दी हुई है। तो ये नान खटाई चाय या कॉफी के साथ आप एंजॉय करें। इस रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। फिर मिलेंगे अगले रेसिपी के साथ।